हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू सुमन इमेजिनेशन। गाइस, आज हम करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर का फोटो एडिटिंग। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको इसको ओपन करना पड़ेगा और ओपन करते ही इस तरह का इंटरफेस आएगा और नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद गाइस ऊपर ऑल फोटोज़ पे क्लिक करेंगे और हमारा बैकग्राउंड फ़ोटो को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और नीचे स्क्रॉल करके ऐड फोटोज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस हमारा फ़ोटो को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे और इसके बाद गाइस इसका साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीस कर देंगे और बैकग्राउंड के हिसाब से इस फ़ोटो को हम ऐड कर लेंगे। तो गाइस इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। और गाइस, अगर आपको पिक्सट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड को इरेज करना नहीं आते तो ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो गाइस, हमने बैकग्राउंड के ऊपर अच्छी तरह से फ़ोटो को ऐड कर लिए हैं और इसके बाद गाइस फिर से ऐड फोटोज़ पे क्लिक करके इस शैडो पीएनजी को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, सो गाइस, इसके बाद शैडो पीएनजी का साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज करके बैकग्राउंड के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और गाइस, बैकग्राउंड के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो गाइस, हम इस शैडो पीएनजी को अच्छी तरह से बैकग्राउंड के ऊपर सेट कर लिए हैं और इसके बाद गाइस इस शैडो पीएनजी का ओपेसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। तो गाइस इस तरह से शैडो पीएनजी का ओपेसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे और इसके बाद गाइस ऊपर साइड पे टिक कर देंगे। तो गाइस हमने इस तरह से फ़ोटो का शैडो क्रिएट कर लिए हैं और इसके बाद गाइस साइड पे टूल ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गाइस एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और गाइस यहाँ पे इस सारे टूल को फ़ोटो का हिसाब से एक एक करके एडजस्ट कर लेंगे। और गाइस आप भी आपका फ़ोटो का हिसाब से इस सारे टूल को एक एक करके एडजस्ट कर लेना। और गाइस हमने इस सारे टूल को फ़ोटो का हिसाब से अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिए हैं और इसके बाद गाइस साइड पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो को गैलरी पे सेव कर देंगे।